गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं और आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, तो उसमें आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर आपको बताए थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन छह तरह से होता है। सबसे पहला रिंग आइसोमर्स, दूसरा पोजिशनल आइसोमर्स, तीसरा रिंग चेन आइसोमर्स, चौथा मेटामर्स, पांचवा फंक्शनल आइसोमर्स, छठा टॉटोमर्स। ठीक उसी तरह से ये सब सारा हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर आपको बताए थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और दूसरे को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, तो बेसिक कन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो किसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होने के वजह से डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो रोटेशन कहां पर पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अगर रिंग में सिंगल बॉन्ड भी है तो रिंग होने के चलते रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कंक्लूजन निकाले थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां शो करता है। तो सबसे पहला हम आपको बताए थे कि अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अल्काइन जो होता है क्योंकि उसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन यह हम आपको बता चुके हैं कि अल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर आपको बताए थे ऑक्साइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, फिर आपको बताए थे आइमीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, फिर आपको बताए थे एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, फिर साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करता है, फिर साइक्लो अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और कुमुलेटेड पोलिन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और साथ ही साथ बताए थे कि अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अल्कीन में क्या जितने भी सारे अल्कीन है तो क्या सारे अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो जवाब क्या था, नहीं। तो अल्कीन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए ये हम लोग डिटेल में लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है तो इसके पीछे वाला वीडियो है, सो जाकर के फिर से देख लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका ऑक्साइन है, आइमीन है और एजो कंपाउंड्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। सेकेंड में आप लिख लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन। अब सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्साइन कहते किसको है, और दूसरा फिर हम लोग सीखेंगे कि क्या जितने भी सारे ऑक्साइन हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो जवाब है नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्साइन को शो करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली दोज ऑक्साइम्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच sp2 कार्बन हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। कहता है कि जो भी ऑक्साइम है उसका sp2 कार्बन के साथ अगर दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहां पे बात आती है कि ऑक्साइम कहते किसको, ऑक्साइम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज जान लीजिए कि एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो H2O मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलता है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग ऑक्साइम कहते हैं। चलिए, बात नहीं समझ में आया होगा इसको आप देखिए एग्जांपल से। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H हो गया, तो CHO जब भी होता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड। फिर आपको क्या बताएं, एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि NH2
OH, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2 क्या होता है, एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन को एल्डिहाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन का हाइड्रोजन दोनों जाएगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए, जब H2O यहां से बाहर निकल जाएगा तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है सो डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्जाइन। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्जाइन। अब ये ऑक्जाइन का फॉर्मेशन हुआ किसके साथ, तो यहाँ पे ऑक्जाइन का ये जो फॉर्मेशन हुआ है वो एल्डिहाइड से हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑल्डो ऑक्जाइन। क्या पढ़ेंगे, ऑल्डो ऑक्जाइन। ठीक उसी तरह से अगर ऑक्जाइन का फॉर्मेशन कीटोन से हो जाए, यानी कि अगर यहां पर जो हाइड्रोजन है इसके जगह पे फिर क्या हो जाए, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीटोन। अब इसको भी आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहां से H2O मॉलिक्यूल है सो क्या होगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में देखिए फिर डबल बॉन्ड हो गया और नाइट्रोजन के साथ OH, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑक्जाइन। और ये जो ऑक्जाइन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो कीटोन के साथ हुआ है, मतलब कीटोन के साथ अगर आप हाइड्रोक्सिल एमीन को रिएक्शन कराए हैं तब आपका ऑक्जाइन का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कीटो ऑक्जाइन। इतना तो सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है ये तो क्या हो गया, अल्डो ऑक्जाइन, इसको क्या पढ़ेंगे, कीटो ऑक्जाइन। क्यों इसको अल्डो ऑक्जाइन कह रहे हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है, और इसको कीटो ऑक्जाइन क्यों कहे, क्योंकि ये कीटोन से आया है, तो इसको हम लोग कीटो ऑक्जाइन कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या जितने भी सारे ऑक्जाइन हैं, जितने भी सारे ऑक्जाइन हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अब देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या बताए थे, किसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होने के वजह से डेवलप होता है। तब यहां पर देखिए कार्बन नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो अल्डो ऑक्जाइम हो या कीटो ऑक्जाइम हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने के चलते यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आपको क्या है, तो दूसरा कंडीशन है कि जो sp2 कार्बन है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम्स होना चाहिए। जो भी sp2 कार्बन है उसके साथ क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होना चाहिए। अब जैसे यहां पर देखिए अल्डो ऑक्जाइम है, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये जो ऑल्डो ऑक्जाइम है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन sp2 है और इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन एक बात आपके दिमाग में जा रहा होगा कि सर तब तो जितने भी सारे एल्डिहाइड से ऑक्जाइम बनेगा तो सारा है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपका ये तो हम एल्डिहाइड ले लिए, अगर आपका ऑक्जाइन फॉर्मल्डिहाइड से बन गया, देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अब ये फॉर्मल्डिहाइड से अगर ऑक्जाइन आप बनाइएगा तो ये तो दोनों आपका क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो यहां पर इस तरह का अगर इससे जो ऑक्जाइन बनेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे अब यहां पर आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पर देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो रोटेशन नहीं होगा। दूसरा, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। जब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो क्या कहा गया, जो कार्बन sp2 है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम्स हो गया, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास है सो लोन पेयर होता है, तो इधर भी नाइट्रोजन के पास, इसको जो है ना लोन पेयर को हम लोग डिफरेंट एटम मानते हैं, तो यहां पर देखिए एक लोन पेयर हो गया और एक अल्कोहल हो गया, और इधर है सो आपका मिथाइल हो गया और इधर हाइड्रोजन हो गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिर आपसे पूछेंगे कि ये किस तरह का ऑक्जाइम है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अल्डो ऑक्जाइम। कैसे पता चला, तो ये एल्डिहाइड से मिला, यहां पर हाइड्रोजन है तो इसको एल्डिहाइड से मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्डो ऑक्जाइम। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल, और यहां पर क्या बताए,
और यहां पे क्या बताया, लोन पेयर है जैसे, और यहां पर क्या है, एक लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर को ही हम लोग एक डिफरेंट एटम या ग्रुप मानते हैं। यहां पर भी दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया, यहां पर भी दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे तो यहां पे हम कहेंगे कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि ये बताइए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, और ये इस ये ऑक्जाइम को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए ये ऑक्जाइम का फॉर्मेशन कीटोन से हुआ होगा। एमी का मतलब हो गया मिथाइल और ईटी का मतलब हो गया इथाइल। ये एब्रिविएशन में आपको बहुत पहले बता चुके हैं। एमी का मतलब क्या हो गया मिथाइल और ईटी का मतलब क्या हो गया इथाइल। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कीटो ऑक्जाइम। क्यों? क्योंकि ये कीटो से मिला, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कीटो ऑक्जाइम। अब सवाल ये है कि क्या ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है और अल्कोहल, तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया, और ये कार्बन के पास भी दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया, एक मिथाइल और एक इथाइल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये जो कीटोक्जाइम है ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसका ज्योमेटिकल आइसोमर्स क्या होगा। जैसे अल्कीन में आपको बताए थे कि अगर ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका ज्योमेटिकल आइसोमर्स क्या होता है, तो एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। तो पहले तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे यहां पर देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए ऑक्जाइम जो है ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और इस तरह के ऑक्जाइम को आप क्या कहेंगे। तो यहां पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, यानी कि अल्डिहाइड है, तो इसको हम लोग अल्डो ऑक्जाइन कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्डो ऑक्जाइन कहेंगे। अब ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियस है कि रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फिर यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर अल्कोहल दो डिफरेंट ग्रुप या एटम को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर एक फिनाइल है और एक हाइड्रोजन है, तो दो डिफरेंट ग्रुप एटम हो गया। क्योंकि आपका डिफिनेशन में क्या कह रहा है, आपको डिफिनेशन में कह रहा है कि जो sp2 कार्बन है उसके साथ कोई दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तभी वो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहां पर क्या हो गया कि इस sp2 कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कहां पर ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका ज्योमेटिकल आइसोमर्स क्या होगा। चलिए क्वेश्चंस लिख लीजिए। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म। जैसे एक पहला लेते हैं, अब सब लोग आप लोग बताइए कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। सबसे पहला ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्जाइन है, और अभी आपको बताया कि ऑक्जाइन में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, एक एटम आपका है सो मिथाइल है और एक है सो क्या है हाइड्रोजन है, और ये कार्बन आपका sp2 है, तो sp2 कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा, ये सबको समझ में आया, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास है सो एक लोन पेयर है, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमर शो किया। अब कह रहा है कि अगर ये ज्योमेटिकल आइसोमर शो कर रहा है तो इसका दूसरा GI क्या होगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं सीन, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे सीन। तो इसका जो दूसरा ज्योमेटिकल आइसोमर्स होगा उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, हाइड्रोजन को यहां पे कर दिए और मिथाइल को यहां पे कर दिए, नहीं अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर क्या होता है ध्यान से समझिए, और ये यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकेंड कह रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का ज्योमेटिकल आइसोमर्स कहलाएगा। और यहां पर जो ज्योमेटिकल आइसोमर्स होता है सिस ट्रांस के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सीन और एंटी। अब का सवाल है कि आप किसको सीन कहेंगे और किसको एंटी कहेंगे। तो हाइड्रोजन अगर अल्कोहल के सेम साइड हो, ध्यान से सुनिएगा,
हाइड्रोजन अगर अल्कोहल के सिम साइड हो तो उसको सीन कहेंगे, और हाइड्रोजन अगर अल्कोहल के अपोजिट साइड हो तो उसको हम लोग एंटी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज्योमेटिकल एक दूसरे का ज्योमेटिकल आइसोमर्स हो गया, तो इसको हम लोग सीन कहेंगे और इसको एंटी कहेंगे, याद रहेगा। हम आपको बताएं कि एच और ओ एच अगर सेम साइड होगा तो उसको हम लोग सीन कहेंगे, सीन आइसोमर्स, और हाइड्रोजन और ओ एच अगर अपोजिट होगा तो उसको एंटी आइसोमर्स कहेंगे। जैसे अल्कीन में सिस और ट्रांस आपको बताया गया था, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का ज्योमेटिकल आइसोमर्स है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पर देखिए ये भी क्या है, अल्डो ऑक्साइम है, ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? कार्बन नाइट्रोजन के चलते रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और ये कार्बन sp2 है, और sp2 कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और जब ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसका दूसरा जो ज्योमेटिकल आइसोमर्स होगा वो क्या होगा, तो अब यहां पर देखिए क्या किए, एच को ऊपर कर दिए और फिनाइल को नीचे कर दिए। अब यहां पर फिर क्या हो गया ये, और यहां पर एक देखिए लोन पेयर है। अब इसको हम लोग अगर फर्स्ट कहें और इसको सेकेंड कहें तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का ज्योमेटिकल आइसोमर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये सीन फॉर्म में आ गया और ये एंटी फॉर्म में आ गया। अब इसको सीन क्यों कह रहे हैं, तो यहां पे आपको देखिए अल्कोहल और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, अल्कोहल और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है तो उसको सीन आइसोमर कहेंगे, और यहां पे हाइड्रोजन और अल्कोहल अपोजिट साइड है तो इसको हम लोग एंटी आइसोमर्स कहेंगे। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड जो है वो ज्योमेटिकल आइसोमर शो कर रहा है। बोलिए सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। ऑक्साइम में आपको सिर्फ ये देखना है कि जो sp2 कार्बन है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है या नहीं है। अगर दो डिफरेंट ग्रुप या एटम या बॉन्डेड होगा तब हम लोग कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड नहीं होगा तब हम लोग कहेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और ज्योमेटिकल आइसोमर्स जब शो करता है तो किस फॉर्म में, सीन और एंटी। अगर हाइड्रोजन और अल्कोहल सेम साइड होता है तो उसको सीन कहेंगे, और हाइड्रोजन और अल्कोहल अपोजिट साइड होता है तो उसको एंटी कहेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर चलिए ये तो एल्डिहाइड में समझ में आ गया, अगर कीटोन रहेगा तब फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे और उसका आइसोमर्स क्या होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा, अब आपसे पूछा गया कच्चा बताइए, ये तो सबसे पहले ऑक्साइम है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो ऑक्साइम। क्या बोलेंगे? कीटो ऑक्साइम। क्यों? क्योंकि ये कीटोन हो गया। एक sp2 कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ और एक इथाइल लगा हुआ, तो ये दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो ऑक्साइम। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्साइम क्या होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कीटो ऑक्साइम, और ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म जब शो करेगा तो इसको फिर अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सीन है या एंटी है। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, अभी हम आपको क्या बोले, अभी हम आपको ये बोले कि अल्कोहल और हाइड्रोजन अगर सेम साइड होगा तो उसको हम लोग सीन कहते हैं। यहां पे अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो अल्कोहल के सेम साइड कौन है, इथाइल है। अल्कोहल के सेम साइड क्या है, इथाइल है। तो अगर कोई बच्चा इथाइल से कंपेयर करेगा तो वो बोलेगा कि सीन है। अगर क्लास में किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि सीन है या एंटी है, तो कोई बच्चा बोल दिया सीन, हम बोलेंगे कि सीन क्यों बोल रहे हो, तो वो बच्चा बोलेगा कि सर अल्कोहल और इथाइल सेम साइड है तो उसको हम लोग सीन कहेंगे। एक दूसरा बच्चा है सो बोल रहा है कि नहीं सर एंटी है, हम बोलेंगे कि एंटी क्यों बोल रहे हो बाबू, तो वो बोलेगा कि सर मिथाइल और अल्कोहल अपोजिट साइड है इसीलिए इसको हम एंटी कहेंगे। अब किसका बात हम लोग मानेंगे, तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि इथाइल के रेफरेंस अगर आप लेते हैं, इथाइल का अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो सीन होता है, तो इसको बोलेंगे सीन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप रेफरेंस अगर इथाइल का लेते हैं और इथाइल अल्कोहल के सेम साइड है तो इसको सीन कहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीन इथाइल।
फिर बोलेंगे मिथाइल और कीटोक्साइम, इसको बोलेंगे सीन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, हम मिथाइल को रेफरेंस लेंगे, तो मिथाइल से ये कैसे है, एंटी है। मिथाइल से कैसे है, एंटी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। क्या बोलेंगे, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। समझ में आ रहा बात, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। बोलिए समझ में आ रहा बात। अब ये क्या हो रहा है, ये आपका ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब आपको कहा जाए कि इसका दूसरा ज्योमेटिकल आइसोमर्स लिखिए, तो क्या कीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए। समझ में आ रहा बात, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ज्योमेटिकल आइसोमर्स। जैसे फोर में देखिए, अब यहां पर आपसे ये पूछा गया कि अच्छा ये बताइए, ये ऑक्साइम ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा कैसे देखेंगे, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, तो ये दो डिफरेंट ग्रुप या एटम तो हो गया, लेकिन कार्बन जो है sp2 कार्बन, इसके साथ दो आइडेंटिकल एटम आ गया, यानी कि दोनों हाइड्रोजन हो गया, तो हम इसको बोलेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं। ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हम आपको क्या बताए, हम आपको यही कंडीशन बताए कि जो sp2 कार्बन होगा उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहला कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, क्या sp2 जो कार्बन है उसके साथ जो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, तो नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कीटोक्साइम हो गया, ये अल्डो ऑक्साइम हो गया, ये एल्डिहाइड से ऑक्साइम बना है, ये कीटोन से ऑक्साइम बना हुआ है, बट ये है सो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये सबको समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में है कि कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर करके वो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर करके ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कहता ऑक्साइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए तो ये क्या है, ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड है, अभी आपको बताए थे यहां पर दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर देखिए इससे ये क्या है, एल्डिहाइड है, और इससे जो ऑक्साइम बनेगा, तो इसके साथ देखिए दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तो ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सी में देखिए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर जो ये कीटोन है और ये कीटोन में क्या हो गया, दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो गया, तो यहां पर क्या होगा, इससे जो ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा वो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसमें देखिए क्या इसमें ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो यहां पर देखिए ये क्या है, कीटोन है। अब यहां पर जो sp2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है। समझ में आ रही बात, ये दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तो ये क्या होगा, ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है सो बी हो गया, और क्या हो गया, डी हो गया। समझ में आ रही बात, इसका आंसर है सो बी और डी, यानी कि पहला ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, दूसरा है सो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तीसरा नहीं करेगा, और चौथा है सो करेगा। तो इस तरह से कोई भी ऑक्साइम दिया हुआ रहेगा तो आप डिसाइड कर लेंगे कि कहां पर ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कहां पे नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका GI कैसे आप लिखेंगे। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे आइमीन में ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो थर्ड में हेडिंग डाल दीजिए ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म इन आइमीन। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल देखिए, इसको हम लोग आइमीन कहते हैं। यहां पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अंतर क्या था, अंतर यह हुआ कि ऑक्साइम में यहां पर OH होता है, यहां पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड,
अभी आप पढ़े ऑक्साइन में, ऑक्साइन में क्या था, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होता था OH, आयमीन में क्या हो गया H भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और कंडीशन सारा सेम होगा, यानी कि आयमीन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, आयमीन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए sp2 जो कार्बन है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होना चाहिए। लोन पेयर को तो हम लोग डिफरेंट एटम या ग्रुप मानते ही हैं, तो नाइट्रोजन पे तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया, लेकिन कार्बन पे है या नहीं है ये चेक कर लीजिएगा, समझ में आ रहा बात। हाइड्रोजन के जगह पे अल्काइल भी रहेगा तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होगा, तो हम लोग को सिर्फ चेक कहां पे करना है, sp2 कार्बन पे। तो यहां पर देख लीजिएगा कि अगर दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो यहां पर क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे सेकंड में देखिए, अब ये आपसे पूछा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पर नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास तो दो एटम या ग्रुप डिफरेंट है, बट यहां पर sp2 कार्बन के साथ दोनों सेम एटम या ग्रुप हो गया, यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, तो दोनों आइडेंटिकल हो गया, जिसके चलते ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम क्या बोले ये सब लोग को समझ में आ गया। आयमीन के भी केस में आपको क्या देखना है, आयमीन के भी केस में आपको ये देख लेना है कि जो sp2 कार्बन है उसके साथ जो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है या नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के चलते तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहां पर दोनों आइडेंटिकल हो गया तो हम कहेंगे कि यहां पर है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। थर्ड में देखिए, अब आपसे ये पूछा गया कि बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो पहली बात कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अभी हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन के जगह पे मिथाइल भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, तो नाइट्रोजन पर तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, अब हमको सिर्फ ये देख लेना है कि जो sp2 कार्बन है उस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है या नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक मिथाइल है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आयमीन बहुत ही सिंपल था, अब आपसे पूछा जाता कि अच्छा इसका आइसोमर्स क्या होगा, तो एक सीन होगा फिर दूसरा एंटी। अब यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड होगा तो उसको सीन कहेंगे, हाइड्रोजन ऊपर कर दीजिए मिथाइल को नीचे कर दीजिए तो एंटी आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एजो कंपाउंड में, तो एजो कंपाउंड किसको कहते हैं, तो जहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजो कंपाउंड। अब एक चीज और समझ लीजिए कि एजो कंपाउंड किसी भी तरह का होगा वो ऑलवेज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, तो देखिए यहां पर एक कंपाउंड हम लिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, ये तो सब लोग को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा एजो कंपाउंड में दोनों जो डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है उसके पास दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होगा, एक तो लोन पेयर होगा, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा करके आप कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। तो हम इसीलिए आपको बोले कि जितना भी ये जो कंपाउंड है, ध्यान से सुन लीजिए, जितना भी ये जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो यहां पर है सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसका आइसोमर्स कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को सेम साइड कर दीजिए और लोन पेयर को सेम साइड कर दीजिए, तो इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सीन। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अगर अपोजिट साइड कर दिए और लोन पेयर को भी अपोजिट साइड कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी, और ये क्या कहलाएगा, सीन, और इसको क्या बोलेंगे, एंटी। अगर ये जो कंपाउंड में आपसे कहा गया कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखिए तो क्या लिखेंगे, एक सीन लिखेंगे और एक एंटी लिखेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो सीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब हम क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके वहां पे फिनाइल ग्रुप आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या बताएं, कोई इस पर कंडीशन ही नहीं होता है, जितने भी सारे एजो कंपाउंड होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जितने भी
ये जो कंपाउंड होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आपको कहा गया कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिख करके बताइए, तो फिर क्या होगा, एक सीन होगा दूसरा एंटी होगा, तो यहां पर क्या होगा, फिनाइल फिनाइल सेम साइड हो गया और लोन पेयर सेम साइड हो गया, तो इसको हम लोग सीन आइसोमर कहेंगे, और फिनाइल फिनाइल अगर अपोजिट साइड हो गया और लोन पेयर भी अपोजिट साइड हो गया तो इसको एंटी कहेंगे। और ऑब्वियस है कि अगर फिनाइल अपोजिट हुआ तो लोन पेयर भी आपका अपोजिट होगा। समझ में आ रहा है बात, तो यहां पर भी है सो सीन और एंटी के टर्म में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखते हैं। तो एक नोट करके लिख लीजिए, क्या नोट में लिखिएगा कि जितने भी सारे एजो कंपाउंड्स हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑलवेज शो करेगा। तो इसको नोट करके आप एक लाइन लिख लीजिए कि ऑल एजो कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जितने भी आपका एजो कंपाउंड्स है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो नेक्स्ट आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा और उसके लिए क्या कंडीशंस है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे साइक्लोअल्कीन और कुमुलेटेड पोलिंग्स। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।